अरे देख के नहीं चल सकती क्या? अंधी हो क्या? कहाँ जा रही है मैम? मैं वो गई ना उनके साथ। इलाव नहीं है अंदर जाना। अरे सुनो, पेशेंट नंबर 34 की रिपोर्ट इमीडिएटली अभी मेरे कैबिन में भेजिए। देखिए मिस्टर ब्रिजेश, मैंने सारी फाइल एग्जामिन की है, सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप शुभ को पागल क्यों कह रहे हैं। वो तो नॉर्मल है, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव है। आप खुद चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स नेगेटिव है। मिस्टर ब्रिजेश, ये क्या किया आपने? अगर शुभ पागल नहीं तो उसे पागल करो। व्हाट डू यू मीन, क्या कह रहे हैं आप? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पागल बनाओ, इतना पागल के पूरी दुनिया उसे देखकर डर जाए। मिस्टर ब्रिजेश, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट के साथ ईमानदार रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपना मुंह मत चलाओ, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो। देखिए मिस्टर ब्रिजेश, ये इल्लीगल है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मेरा करियर चौपट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं करोगे तो मत जाओगे? मैं जब चाहूँ तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा सकता हूँ, समझे? क्या, ऐसे कैसे? शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है पागलों के साथ रह रहे के। तुम्हारी गलत दवाई की वजह से एक पागल पेशेंट की मौत हो गई थी। अगर ये बात मैंने सबके सामने लेके आ गया ना, तुम्हारा काम तमाम डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर, डर गए हैं? मिस्टर ब्रिजेश, प्लीज काम डाउन, कूल डाउन। पिछली बार तुम सबूत मिटाकर बच गए डॉक्टर। गलतियां छिप सकती है लेकिन गुनाह नहीं छिपते। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जेल की चक्की पिसवा सकता हूं। तुम इस पागल खाने के बाहर भीख मांगते रह जाओगे, समझे? आप नाराज मत होइए, मैं आपका काम करूंगा। वार्ड बॉय, नर्स, कहां मर गए सब के सब? वो जो नया पेशेंट आया है उसे इलेक्ट्रिक शॉक रूम में लेकर चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार, चलो चाय पी के आते हैं। अरे नहीं यार, हम नया वाला पेशेंट है ना, उसको डॉक्टर ने 17 नंबर कमरे में लेके जाने को बोला है यार। अरे इतनी भी क्या जल्दी है यार, बाद में ले जाएंगे। अरे यार नौकरी का सवाल है भाई। चल यार फिर। चलो क्यों,
युक्तु जी का ड्रेस भेजा है, जल्दी से इस ड्रेस पे आ। तू बाकी के सवाल बाद में पूछना, जल्दी से आ, जल्दी आ। आराम से लिया राइट। अब पेशेंट को आराम से इस पे लेटा दो। दैट्स वेरी गुड। इनके हैंडकफ्स लगा दो दोनों हाथों में। अब तुम लोग जाओ। सर लेकिन सवाल नहीं करो, जितना बोला है उतना करो। तुम बहुत जल्द मेरी भाषा बोलने लग गए हो डॉक्टर। थैंक यू सर। शुरू करें? यस सर। इसे इतना शौक दो कि यहां से निकलने के बाद ही अपना नाम तक याद ना कर पाए। तो इसे फिर से शौक। आप बेफिक्र रहिए ब्रिजेश सर, आपका काम 100% हो जाएगा। आपने जो शुभ सर की ये हालत की है, इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके हर एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं आपसे। मिस्टर ब्रिजेश, पहला इलेक्ट्रिक शॉक हमने उसे सफलतापूर्वक दे दिया है, दूसरा हम उसे इवनिंग तक दे देंगे। बस इतना याद रखना कि शुभ जायसवाल इस हॉस्पिटल से निकलते वक्त पूरी तरह से पागल हो। डन सर, हो जाएगा। एक और चीज डॉक्टर, एक सर्टिफिकेट बनाओ जो कहे कि शुभ जायसवाल पूरी तरह से पागल हो गया है। ओके सर। रुको,
देखो तुम्हारा पेन गिर गया। ताई, ये क्या है? ये शुभ गायब कैसे हो गया? कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। But sir, it seems to be quite impossible. यहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। शुभ को यहाँ से कोई नहीं भगा के ले जा सकता सर। एक मिनट यू सीसीटीवी रूम। ओके सर, प्लीज कम विद मी प्लीज। यस सर, ये देखिए। रिमाइंड करो सर। शकुन भैया, देखिए मैंने इन्हें दवाइयां दे दी हैं, अभी आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? वेल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं कल फिर आकर चेकअप कर लूंगा, तब तक ध्यान रहे, इन्हें कंप्लीट आराम की जरूरत है। जी, थैंक यू। ताई, ये सब क्या हो रहा है, तू बताएगी मुझे? शगुन, कुछ तो बताना बेटा। हाँ शगुन, कुछ तो बता, क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रजेश फूफा जी जानबूझ के शुभसर के खाने में कोई दवाई डाल रहे थे। क्या? और जब फाइनल इनकी तबीयत खराब हो गई तो इस मौके का फायदा उठा के उन्होंने उनको पागल खाने भेज दिया। वो तो युग की मदद से बहुत मुश्किल से हम दोनों शुभसर को बचा के यहाँ लेकर आए हैं। पर भाभी, भैया ठीक तो है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं। और हाँ, हमें ये बात सबसे छुपा के रखनी होगी कि शुभसर यहाँ। ठीक है बेटा। अगर ऐसा है तो शगुन सही कह रही है, शुभ की जान को खतरा है, हमें इसे यहीं पे रखना होगा। अच्छा, आप लोग जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं शुभ सर के साथ यहाँ। देख बेटा, तू भी थकी हुई है, थोड़ा आराम कर लेना और किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना बता देना। जी काकी। चल। अच्छा ताई, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? थैंक यू।
7 बज गए हैं, दूध वाला होगा। भूपा जी यहां आप लोग बहुरिया बुरे वक्त पे कंधे पे रखा हुआ हाथ उस वक्त से लड़ने की हिम्मत देता है। बस हम तो ये सोच के ही यहाँ पर आए। हाँ शकुन, अब तो तुम्हारी शादी भी तय हो गई है, तुम्हें शिकायत का मौका हम देना नहीं चाहते। शिकायत की कोई बात नहीं है, आप लोग आइए ना अंदर। रोना बंद करो। हमारे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। ऐसे हालातों को झेलने के बाद एक इंसान को थोड़ा वक्त लगता है फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में। कनिका जी समझ सकती हूँ। जब तक शुभ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हमें ऐसे लगता है कि शादी की जो तैयारियां हैं वो अभी के लिए रोक दे। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप चिंता मत कीजिए। देखिए जो भी होगा सब अच्छा होगा। सही कह रही है राधा जी। बहुरिया हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर बेटा एक बात याद रखना, अच्छे लोगों के साथ भगवान कुछ भी बुरा नहीं करने देते। जी दादी, मुझे बप्पा पे पूरा भरोसा है। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। अब मैं आपको ले चलती हूँ वॉशरूम। नहीं नहीं, घर इतना थोड़ी ना बड़ा है कि मैं ढूंढ लूंगा। ढूंढ मैं। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है, इतने दिन के बाद आई हूँ। जरा आओ बैठो पास। छुपा के रखा है तुमने शुभ को। किसी को जगाता है क्या कि इंसान डर ही जाए? आपको पता है ना मेरी तबीयत कितनी खराब है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। I'm really sorry. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बाथरूम जाना था ना। हाँ वो मैं देखना वाला, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। आपने इन्हें डराया क्यों? नहीं नहीं, मैं तो मैंने सोचा कि बीमार है तो मैं चेक कर लेता हूँ। बाथरूम बाहर है, जाइए। शुभ सर कहाँ? शुभ सर शुभ को इन लोगों ने कहाँ गोल कर दिया है? वो पागल मिल क्यों नहीं रहा?
तुमने उसे कहीं तो छुपा के रखा होगा, देख लेना मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा। फूफा जी, आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन मैं आपको शुभ सर तक पहुंचने नहीं दूंगी।